हेलो गाइस, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड सेफ। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ में आफ्टर मैरिड न्यूली ब्राइड मेकअप लुक शेयर कर रही हूँ। अगर आपके घर में शादी के बाद छोटी मोटी पूजा है, फंक्शन है, ओकेशन है, या फिर शादी के बाद ऐसा होता है ना, रिलेटिव्स और हमारे दोस्त मिलने आते हैं, मुँह दिखाई होती है, तो ऐसे टाइम पर आप कुछ इस तरह से मेकअप कर सकते हो। बहुत ही ब्यूटीफुल सा मेकअप लुक ये क्रिएट हुआ है गाइस, और बहुत ही कम प्रोडक्ट के साथ में मैंने ये मेकअप लुक शेयर किया है आप लोग के साथ में। बहुत ही इजी स्टेप के साथ में मैंने आप लोग के साथ में ये मेकअप ट्यूटोरियल शेयर किया है, तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को हिट करिएगा आगे के नोटिफिकेशन के लिए, और फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा ताकि औरों को भी हेल्प मिल सके। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने फेस को अच्छे से वॉश करना है, उसके बाद अपने फेस को हाइड्रेट करने के लिए टोनर ज़रूर अप्लाई करना है। आप कोई सा भी टोनर ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे रोज़ वाटर एज अ टोनर अप्लाई किया है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। एवरीडे मैं यही यूज़ करती हूँ नहाने के बाद में, फेस वॉश करने के बाद में। उसके बाद यहाँ पे जॉय का मैंने ये एलोवेरा वाला मॉइस्चराइज़र लिया है, बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र है गाइस, आपकी स्किन को बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज कर देता है। आपको लोकल मार्केट में 10 रुपीज़ का मिल जाएगा, ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। उसके बाद ब्लू हेवन के मैंने यहाँ पे लिप बाम से अपने लिप को मॉइस्चराइज कर लिया है। अब प्राइमर के लिए मैं यहाँ पे एलोवेरा जेल ले रही हूँ, ये एज अ प्राइमर बहुत अच्छे से वर्क करता है, और विंटर है तो विंटर के अकॉर्डिंग ये आपकी स्किन को बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज कर देता है। आपका मेकअप कई गुना ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है और अच्छे से ब्लेंड भी हो जाता है, कहीं से भी ड्राई पैचेस नहीं पड़ते हैं, तो इस तरह से आपको डैब डैब करके एब्जॉर्ब कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे ये एनवाइवे की मैं ये कंसीलर स्टिक ले रही हूँ, इसको आप एज अ फाउंडेशन स्टिक भी यूज़ कर सकते हो। इसमें जो मेरा शेड है गोल्डन 3 है, तो इसको मैं ले रही हूँ। इसकी जगह आप BB CC क्रीम या फिर फाउंडेशन भी ले सकते हैं, तो इसको मैं अपने फेस पे इस तरह से लगा लूँगी। और देखिए, लगाते लगाते इसकी स्टिक टूट भी गई, तो कोई नहीं, मैंने इसको फिक्स कर लिया है, और नेक को बिल्कुल भी अवॉइड ना करे। तो इस तरह से मैं आईलिड पे भी अप्लाई कर लूँगी साथ ही साथ, तो और मैं यहाँ पे फिंगर की हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ। ऐसा होता है ना, न्यूली मैरिड जो होती हैं, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, शादी के बाद फटाफट से मॉर्निंग में रेडी होना रहता था, तो समझ नहीं आता था क्या करें क्या ना करें। तो अगर आपके साथ भी ये दिक्कत है तो कुछ इस तरह से कम प्रोडक्ट के साथ में फटाफट से मेकअप कर सकते हैं, और ब्रश वगैरह का झंझट ना करिए, फटाफट से हैंड से ही ब्लेंड कर लीजिए। मैं तो अक्सर ऐसे ही करती हूँ, जब भी मुझे जल्दी से रेडी होना होता है मैं फटाफट अपने हैंड का ही यूज़ करके मेकअप करती हूँ। तो इस तरह से मैंने फिंगर की हेल्प से ब्लेंड कर लिया। थोड़ा सा मुझे डार्क सर्कल है, तो एक बार फिर से मैं अपने अंडर आई एंड आईलिड पर लगा के अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। अब यहाँ पर ये एनवाइवे का कॉम्पैक्ट लिया है मैंने, और इससे मैं अपने पूरे फेस को सेट कर दूंगी इस तरह से, और बस ये बहुत ही अच्छा सा बेस रेडी हो गया है गाइस। ये स्टिक बहुत ही अच्छी है गाइस, आपके पिगमेंटेशन वगैरह भी डार्क सर्कल वगैरह है तो उसको हाइड कर देती है, और बहुत अच्छा सा बेस मिल जाता है आपको। यहाँ पे मैं कॉन्टोर नहीं कर रही हूँ, आप चाहें तो कॉन्टोरिंग कर सकती है। अगर आपका फेस थोड़ा सा ब्रॉड है ना, तो आप कॉन्टोरिंग ब्रॉन्जिंग ज़रूर करें। तो यहाँ पे अब मैंने हुडा ब्यूटी का न्यू आई शेडो पैलेट लिया है, उसमें से मैंने ये लाइट पिंक शेड पिक करके एज अ ब्लश अप्लाई कर लिया है। नोज़ को बिल्कुल भी अवॉइड ना करें, नेचुरल ग्लो मिल जाएगा, और आप ब्राइड हैं तो ग्लो तो चाहिए ही। सेम इसी आई शेडो पैलेट से मैंने हाईलाइटर शेड पिक किया, और उसको मैं अपने हाई पॉइंट पर हाईलाइट करूँगी, नोज़ ब्रिज ऑफ द नोज़ पे, चीक पे, चिन पे, फॉरहेड पे, हर जगह अच्छे से मैं देखिए हाईलाइट कर रही हूँ। और इस तरह से मैंने लिया है आईब्रो पेंसिल, जो कि स्विस ब्यूटी की है, ब्राउन शेड में, काफ़ी अच्छी है गाइस ये, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो, या फिर आपके पास जो भी है आप उसी से ही अपना मेकअप कर सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है जो प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे आप लोग को दिखाए हैं वही आपके पास होने चाहिए, जो आपके पास अवेलेबल है उससे आप एक अच्छा सा लुक क्रिएट कर सकते हो। सेम आई शेडो पैलेट से मैंने यहाँ पर ये कोरल सा शेड लिया है, जो कि थोड़ा सा पिंक टोन में है, और इसको मैं इस तरह से मतलब अपने ट्रांजिशन पे अप्लाई कर रही हूँ इस तरह से क्रीज लाइन पे, और इसको मैं पूरी लिड पे भी अप्लाई कर लूँगी जो सेम कलर को, तो दोनों आईज़ में इसी तरह से अप्लाई कर लेना, अच्छे से ब्लेंड करना है, कोई हार्श लाइन नहीं दिखनी चाहिए। इसके बाद आप चाहे तो गोल्डन शेड ले सकते हैं, आप चाहे अपने मनपसंद या अपने आउटफिट से मैच करता हुआ कलर ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने गोल्डन शेड ना लेते हुए मैंने यहाँ पर एक शिमरी शेड लिया है, थोड़ा सा डार्क है, रेड अंडरटोन में है ये, तो इसको मैं लेके अपने देखिए हाफ लिट पे अप्लाई कर लूँगी,
कुछ इस तरह से फिंगर की हेल्प से। बहुत ही इजी आई मेकअप है गाइस, अगर आप बिगनर हो ना तो बहुत इजी तरीके से आप कर पाओगे और आपका आई मेकअप बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखने वाला है, आपकी आईज़ बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगने वाली है। उसके बाद सेम आई शेडो पहले से मैंने गोल्डन सेट पिक किया है, उसको मैं अपने इनर कॉर्नर पे प्लेस कर रही हूँ फिंगर की हेल्प से, जैसे देख सकते हो। इससे आपकी आईज ना जो थोड़ा अगर छोटी है तो थोड़ा सा बड़ी दिखेंगी और इन्हेंस कर देंगे आपके मेकअप लुक को इस तरह से। और जो कोरल सा शेड मैंने ऊपर अप्लाई किया था, लोअर लैश लाइन पे अप्लाई कर लूँगी। अब यहाँ पर मैंने ब्लू हेवन का 24 आवर काजल लिया है, काफ़ी अच्छा जेट ब्लैक काजल है। इसको मैं अपने वाटर लाइन लोअर वाटर लाइन एंड अपर वाटर लाइन को टाइट लाइन करूँगी, इस तरह से अप्लाई करूँगी दोनों आईज़ में। आपको इसी तरह से कर लेना है, इतना करके आप छोड़ सकते हैं। अगर आप लाइनर वगैरह नहीं लगाना चाहते हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो बस इस तरह से भी आप करके छोड़ सकते हैं। बस जस्ट एक लिपस्टिक अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद आपका लुक कंप्लीट हो जाएगा। बट मैं सेम काजल से लाइनर ड्रॉ कर रही हूँ। जैसे आपके पास टाइम नहीं है, बहुत ज़्यादा आप प्रोडक्ट नहीं यूज़ करना चाहते हैं, तो कम प्रोडक्ट के साथ में कुछ इस तरह से लुक क्रिएट कर सकते हैं। तो सेम काजल को मैंने एज अ लाइनर ड्रॉ कर लिया है, फटाफट से हो भी जाता है गाइस। और कई बार मैंने तो बहुत बार इस तरह से ट्राई किया, कहीं भी मुझे फटाफट से जाना होता है, रेडी होना होता है, तो काजल को मैं एज अ लाइनर लगा लेती हूँ। एक पेंसिल ब्रश लेके मैं थोड़ा थोड़ा सा स्मच कर दूंगी ताकि कोई हार्श लाइन ना रहे, इस तरह से। अब यहाँ पे मस्कारा लगाएंगे, तो यहाँ पे ब्लू हेवन का मैंने मस्कारा लिया है। जितने भी प्रोडक्ट मैंने यूज़ किए हैं इसमें गाइस सारे अंडर 100 हैं, तो सिर्फ आई शेडो पैलेट को छोड़ के। तो यहाँ पे मस्कारा अप्लाई कर लिया, अच्छे से 2 से 3 कोट अप्लाई कर लें अगर आप फॉल्सेस नहीं लगा रहे हैं तो। अब यहाँ पे एक मैंने लिप लाइनर लिया है रेड शेड में, और मैं इसको अपने लिप को आउटलाइन करूँगी। आप ना आउटलाइन ज़रूर करें, इससे आपकी लिपस्टिक लॉन्ग स्टे करेगी। जो दुल्हन होती हैं, न्यूली मैरिड होती हैं, उनके साथ लोगों का जमावड़ा लगा रहता है, लोगों का आना जाना लगा रहता है, तो बार बार हम लिपस्टिक नहीं लगा सकते ना, तो आप कुछ इस तरह से एक बढ़िया लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक ले लीजिए और अप्लाई कर लीजिए, तो काफ़ी लॉन्ग स्टे करेगी, बार बार लगाने की दिक्कत भी नहीं होगी। यहाँ पे मैंने ब्लू हेवन की एलिगेंट मैट लिक्विड लिपस्टिक ली है, ये आपके ऑटो पे 5 से 6 घंटा स्टे करेगी, तो काफ़ी अच्छी है ये। अब इतना बढ़िया मेकअप किया है तो इसको अच्छे से सेट कर लेंगे मेकअप सेटिंग स्प्रे के साथ, ताकि हमारा मेकअप ऐसे ही टिका रहे। तो ये रहा गाइज मेरा फाइनल लुक। फॉल्सेस मैंने वेयर कर लिए, बहुत ही नेचुरल फॉल्सेस मैंने लगाया है, तो ऐसा मेकअप किया है ताकि नेचुरल लगे, बहुत ज़्यादा ऐसा ना लगे कि हाँ मेकअप बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। कोई भी देखे तो यही कहे हमारी दुल्हन तो बिना मेकअप के ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। तो कुछ इस तरह से मैंने ज्वेलरी वेयर कर ली है, बैंगल, झुमकी और ये देखिए मंगलसूत्र, और सेंटर पार्टीशन करके मैंने बन बना लिया है, और सिंदूर लगा लिया मांग भर के, क्योंकि न्यूली ब्राइड के ऊपर पूरा मांग भर के सिंदूर और कुछ इस तरह से रेड बड़ी बिंदी अच्छी लगती है ना, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। मैं अपने शादी के टाइम पे ऐसे ही कुछ शादी के बाद लुक क्रिएट करती थी, तो वही आप लोग के साथ में मैंने शेयर किया है। और अगर आप सर पे पल्लू रखना चाहते हैं तो पल्लू रखेंगे ना, तब भी आपकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाने वाला है। मैंने यहाँ पे बन बनाया, आप अपने हेयर ओपन भी रख सकते हैं, तब भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा इस वाले लुक पे। सो उम्मीद करती हूँ गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा, और कौन सी वीडियो नेक्स्ट चाहिए कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।